हेलीकॉप्टर से यहाँ आएगा और फिर दिल्ली भाग जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को अगर आप पार्टी ऊपर से कैंडिडेट देगी तो यहाँ की जनता उसका पुरजोर विरोध करेगी। सांसद गोपाल शेट्टी को टिकट ना देके पीयूष गोयल को मिली नॉर्थ मुंबई की टिकट, जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कार्यालय के बाहर किया और सवाल किया कि क्यों अन्य 5 जगहों में से उत्तर मुंबई की सीट पीयूष गोयल को दी गई। आइए जानते हैं इस पर सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कहा। सांसद जी, इस बार आपको मौका नहीं मिला इसलिए कार्यकर्ता नाराज है और लगातार आपके समर्थन में यहाँ धरना आंदोलन कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, धरना आंदोलन करने का अधिकार कार्यकर्ताओं का है, वो करेंगे। एक दो दिन धरना आंदोलन करेंगे। इस प्रकार के धरना आंदोलन पार्टी के नेताओं ने और हम लोगों ने बहुत देखा है, हम लोग ने भी किया है। स्वाभाविक है, इतने लंबे समय से जिन कार्यकर्ताओं के साथ में काम किया तो उनको थोड़ा शौक लगना ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस बार 7 बार मेरे जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना और शानदार ढंग से जीतना और फिर उसके बाद में उससे शानदार ढंग से काम करना, जनता और कार्यकर्ताओं का सपोर्ट प्राप्त करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए जो प्राप्त हुआ है उसको दिल और दिमाग में रखकर मैं आगे का जीवन जी पाऊंगा। ऐसा है कि उत्तर मुंबई में हमारे सबके जनता के चहेते ऐसे खासदार गोपाल शेट्टी जी का को उम्मीदवारी नहीं मिल रही है, ऐसा हम लोग सुन रहे हैं और ये बहुत ही दुख की बात है। यहाँ के पूरे जनता, आपने देखा होगा, आपके पास शायद विजुअल्स भी होंगे, पूरे रास्ते पे उतरे। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो जनता का थोड़ा सा तो सुनेगी कि नहीं। हमने ये पूरा परिसर सजा दिया था राम मंदिर के लिए, 4 बार 3 बार जो कार सेवा में गए ऐसे हमारे सांसद है, 2 बार जिनको सांसद रत्न का पुरस्कार मिलता है ऐसे सांसद है, अभी उनका 75 उम्र भी नहीं हुआ है, दिन में 40-40 कार्यक्रम पे अटेंड करते हैं। झोपड़पट्टी की समस्या हो, SRA की समस्या हो, रीडेवलपमेंट की समस्या हो, रास्ता चौड़ा करना हो, हॉस्पिटल का बिल कम करना हो, महिलाओं का सम्मान में हो, गोपाल शेट्टी जी हर हमेशा जनता में रहते हैं। ऐसे जनता के आदमी का टिकट काट के हमने ऐसा सुना है कि कोई जो हेलीकॉप्टर से यहाँ आएगा और फिर दिल्ली भाग जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को अगर आप पार्टी ऊपर से कैंडिडेट देगी तो यहाँ की जनता उसका पुरजोर विरोध करेगी। हमारे में जितनी ताकत होगी, गोपाल शेट्टी जी ने 5,000 से ज्यादा संस्थाओं को जोड़ा है, वो सभी लोग इस बार इस लोकसभा क्षेत्र में जरूर अपना काम करेंगे। गोपाल से पीयूष गोयल को जो टिकट यहाँ से दिया गया उसके बारे में क्या कहना? देखिए, पीयूष गोयल जी से हमारा कोई वैयक्तिक ये नहीं है, लेकिन पीयूष गोयल जी कोई भी सीट पर लड़ सकते थे। मुंबई में 5 सीट भाजपा लड़ रही है ऐसा हमने सुना है, तो कोई भी सीट पर वो लड़ सकती है। एक लड़ने वाला सांसद गोपाल शेट्टी जो झोपड़पट्टी के अंदर जाकर लोगों का पानी नहीं पहुंचाओ, उनका शौचालय नहीं बनाओ, ऐसे समस्या के लिए लड़ने वाला एक नेता गोपाल शेट्टी की टिकट काटकर अगर पीयूष गोयल जी यहाँ से आते हैं तो मुझे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल है।